साहब की तबीयत ठीक नहीं, उनके सीने और बाजू में मुसलसल दर्द है। अवाम नवाज शरीफ की जल्द से एहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ करें। मरियम नवाज का कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात के बाद ट्वीट। मुलाकात का स्केड्यूल तब्दील, मौलाना फजलुर रहमान आज की बजाय 20 मार्च को नवाज शरीफ से मिलेंगे। मरियम नवाज की जाति मालिज के हमरा अपने वालिद से जेल में मुलाकात। मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं, उनको एंजाइना की तकलीफ हुई है। वज़ीर इत्तला'आत आजाद कश्मीर मुश्ताक मिनास की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी ने दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज शरीफ ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, हाई कोर्ट ने हकायक के बरक्स दरख्वास्त जमानत मंजूर की। लैपटॉप स्कीम में बदउनवानी का मामला, असेंबली में जमा कराई रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत की दूसरे रोज भी वजाहत। शहबाज शरीफ को क्लीन चिट नहीं दी, महकमे का काम तहकीकात करना नहीं है, स्कीम में करप्शन हुई है, अब नैब का काम है कि बदउनवानी को सामने लाए। सूबाई वजीर राजा यासर हुमायूं और तर्जमान वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का खोखर बरादरान का नाम ECL से निकालने का हुक्म। किसने किसको राजी बेची, हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारे कंधे पर रखकर केस नैब को रेफर मत करें। अदालत का DGLDA से मकालमा, तहकीकात में खोखर बरादरान कसूरवार पाए गए। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जाएं जाकर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जस्टिस मंजूर मलिक, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस निपटा दिया। DGLDA समेत दीगर इदारों को खुद तहकीकात का हुक्म। ससुराल वाले कातिल बन गए। मिल्लत पार्क के इलाके आजम चौक में ससुराल वालों ने पेट्रोल छिड़क कर बहू को जिंदा जला दिया। 35 साल नसरीन को तश्वीशनाक हालत में हॉस्पिटल लाया गया, मगर जान बच ना हो सकी। 35 साल नसरीन की 3 माह कबल शहजाद से शादी हुई, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। नसरीन को उसके खावंद शहजाद, देवर और सास ने आग लगाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। अमान का क्याम, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में तेजी। महकमा दाखिला पंजाब ने सुबह भर में रेंजर्स की तैनाती में 2 माह की तौसी कर दी। वजीर आला, वुजरा और अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा। वजीर आजम का अरकान पर बिलमून और वजीर आला बुजदार पर बिलखसूस मायूसी का इजहार। अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए वसाइल नहीं, मुल्क में खुशहाली होती तो ये फैसला किया जा सकता था। बिल की मंजूरी से दिल शिकस्ता हो गया, इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म का ट्वीट आने पर वज़रा की कलाबाजियां, तनख्वाहों में इजाफा पहले दुरुस्त फिर गलत करार। फवाद चौधरी की तनख्वाहों में इजाफे की पहली हिमायत फिर मुखालफत। खुद को नवाजने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। शमसान बुखारी की भी तीसरी वजाहत, पहले खुश, वज़ीर आज़म के बयान पर नाखुश। बोले कोई यू टर्न नहीं लिया, तनख्वाहें बढ़ाने का मुखालिफ हूं। वज़ीर खेल की भी एंट्री, कहा जो इलेक्शन पर करोड़ों खर्च कर सकते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की जरूरत नहीं। ऑन चौधरी का इजाफी तनख्वाह ना लेने का ऐलान। डेप्टी स्पीकर डट गए, तनख्वाहों में इजाफा खुशाइन करार। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को तनख्वाहों में इजाफे की समरी पर दस्तखत करने से रोक दिया। वज़ीर आला को पूरी जिंदगी के लिए घर देने का फैसला मुनासिब नहीं, लाइफ टाइम मराद का दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 3 माह करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब को बिल दोबारा ऐवान में लाने की हदायत। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का समरी पर दस्तखत ना करने का फैसला, दस्तखत वज़ीर आज़म की मर्जी से मशरूत कर दिए। अवामी रद्देमल का डर या यू टर्न पॉलिसी, वज़ीर आला पंजाब की मराद को बिल से निकालने का फैसला। मराद को कानूनी तरीके से नई तरमीम के जरिए निकाला जाएगा। हुकूमती सतह पर मराद बिल से निकालने पर इत्तफाक,
तनख्वाहें बढ़ाने पर सूबाई वजीर कानून ने वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। वजीर आला ने रिहाइश से मुतालिक नकात को सराहा। हुकूमत और अपोजिशन ने वजरा की तनख्वाहों में इजाफे की हिमायत की। अखराजात में इजाफे से मुतालिक आगाह किया। तनख्वाहों के मामले पर अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज पर। तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर आला पंजाब ने भी मायूसी का इजहार किया। तनख्वाहें दूसरे सूबों से कम थीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के बराबर कर दी। अपोजिशन के बिल को हुकूमत ने टेक ओवर किया। तर्जमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खजाना खाली, मौजूद और साबिक अरकान के फिर भी वारे न्यारे। तब्दीली सरकार का साबिक अराकीन असम्बली को तोहफा। ताहयात मुफ्त इलाज की सहूलियात दे दी। इंडोर और आउटडोर का इस्तेहकाक कानूनी करार। अवामी नुमाइंदे मालामाल, सरकारी मुलाजमीन बेहाल। बुजदार सरकार की दोहरी पॉलिसी से सरकारी मुलाजमीन को झटके। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के अलाउंसेस काट लिए गए। बजट बनाने वाले महकमा खजाना के कंपोजर्स का बजट भी कम कर दिया गया। कई सालों से मिलने वाले अलाउंसेस खत्म होने पर मुलाजमीन में तशवीश की लहर। बात को रंगों में ढालने का फन। हेरिटेज म्यूजियम में फन मुसव्वरी की नुमाइश। आर्टिस्ट एजाज अनवर के 50 से ज्यादा नमूने नुमाइश के लिए पेश। माशरती मसाइल की अक्कासी करती शानदार पेंटिंग्स को हाजरीन ने खूब सराहा। और बिकनाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में चार रोजा फेस्टिवल। म्यूजिक परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे। फैशन शो में तलबा के रैंप पर चल पड़े।